हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। वुमेन लीग का मैच हो रहा है कैनबेरा वर्सेस सिडनी एफसी के बीच 10:30 बजे, एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो कैनबेरा और सिडनी, भाई एक टीम जो पहली नंबर पर है, एक टीम जो 11वें नंबर पर है, मतलब फ़र्क देखो 10 रैंक का फ़र्क है। कैनबेरा टीम वो तो अच्छी है कि उनके स्ट्राइकर और मिडफील्डर अच्छे हैं जो एक आधा गोल कर जाती हैं, नहीं तो सिडनी एफसी ने तो आज इनको 4-1 के स्कोर से हराना होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 3-1 या 4-1 का स्कोर होगा, एक हाई गोल स्कोरिंग मैच बन सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से सिडनी खेल रही है ना पूरे सीज़न के अंदर, वैसी कोई भी टीम नहीं खेली, भले ही वो रैंकिंग में कोई ना हो, क्योंकि ये टॉप पे है। तो आगे चलते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्राइकिंग की। स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आप चुपचाप हेमन को लो। एम हेमन एक बहुत लेवल की प्लेयर है भाई, बड़े लेवल की प्लेयर है हेमन। हेमन की जगह ना आपको कोई और प्लेयर नहीं चाहिए, बिकॉज कैनबेरा टीम वैसे ही बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि हेमन अभी तक कैनबेरा के मैक्सिमम गोल करके गई है। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करूँ तो सी वाइन बहुत अच्छा खेल रही है। पिछले मैच में मेरी लाज रख ली, मैंने कैप्टन की प्राइमरी ऑप्शन कहा था, मेरे कहने पर कितने बंदों ने इसको कैप्टन रख दिया था। मेरे को डर भी लग रहा था, मैंने कहा कल को ना एक ऑप्शन ऐसा था ना कि वर्ड्स तो खेल नहीं रही थी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम इबनी को रखें, मैंने मना कर दिया था, तो शुक्र है इबनी फ्लॉप हो गई, क्योंकि आज इबनी मुझे नहीं लगता फ्लॉप होगी, क्योंकि आज एक बहुत बड़े लेवल का मैच नहीं है ये। कैनबेरा तो एक छोटी टीम है भाई, सिडनी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो कैनबेरा कुछ नहीं है, तो इवनिंग का एक आध गोल दिख सकता है आज के मैच में। और सी टैलोन को इन्होंने पिछले मैच में चांस दिया, गोल भी करके गई, मुझे नहीं पता भाई ये कौन है, मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा भाई, जेन्युइन बता रहा हूँ। मैंने कैले टैलोन हैनेकर को सिर्फ 2 मैच खेले देखा, कैनबेरा के अगेंस्ट 17 फेब को अवेलेबल नहीं थी, फिर एडलेट के अगेंस्ट जब अवेलेबल हुई तो इसने सीधा गोल किया, और मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो अगर इसको आपको लेने का मौका मिले तो आप ले सकते हो, इवनिंग की जगह भी ले सकते हो जिनको GL VL खेलनी है या जिन्होंने रिस्क लेना है। उसके बाद मिडफील्डिंग की बात करें, मिली वोजाविक बहुत अच्छी प्लेयर, उसके बाद फ्लैनरी द ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेट मतलब फ्लैनरी, मिली वोजाविक और हेमन, ये तीनों एक शील्ड है, इन तीनों में से कोई एक भी मिस होगी तो कैनबेरा टीम को दिक्कत आएगी और हमको भी। और उसके बाद कैस्पर्स की बात करें, सिडनी की कैस्पर इसको तो मैं लूँगा, लेकिन होबेस्की ने क्या किया यार, होबेस्की ने प्रीवियस मैच में कर दिया 1 गोल, और वो गोल बहुत अमेजिंग था, क्योंकि सिडनी की ये प्लेयर अभी तक सीज़न के अंदर जब ये आई थी आफ्टर अ बिग इंजरी, उसके बाद मुझे लगा था ये चल नहीं पाएगी, लेकिन इस लड़की ने पिछले मैच में गोल करके अपना रास्ता साफ कर लिया। एंड बात करें डिफेंडिंग की, के फैंटन, ठीक है के फैंटन अगर खेलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं खेली तो फिर से टी टुमेथ को लेंगे। टुमेथ के बाद भाई सी मैकलिन कर रहेगी फिर सेकंड डिफेंडिंग, थर्ड डिफेंडिंग में इनकी लेमन आपको दिख सकती है, क्योंकि इसको स्ट्राइकिंग भी आती है, इसलिए मैं इसको लेने की राय दूंगा आपको किसी भी प्लेयर की जगह। उसके बाद गोल कीपिंग में जो भी खेलेगी हम उसे लेंगे, भले ही वो लिंकॉलिन हो या मैजस्ट्रोटोविक, जो एक में एक खेलेगी खेलेंगे, एंड लिंकॉलिन अभी खेल सकती है। कैप्टन की बात करें, सी वाइन वाइस कैप्टन, आप ऐसा करो ऑपोजिशन टीम की हेमन को रख सकते हो तो रख लो, क्योंकि अच्छा खेल लेती है, कई बार बड़ी बड़ी टीम के अगेंस्ट चलता, मैंने इसे खुद देखा है, तो मैं हेमन के साथ जाऊंगा। मैं होबेस्की को पहले रखने लगा था, बट ये बहुत अच्छा खेलती है, तो ये मेरी टीम में। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।